हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम बात करेंगे कि इंडियन मार्केट में 1000 रुपीज़ के अंदर कौन कौन से बेस्ट फुटबॉल शूज़ रहेंगे टर्फ या फिर आर्टिफिशियल ग्राउंड के लिए। तो रैंक 4 पे जो फुटबॉल शू है वो है निविया कार्बोनेट टर्फ शू 4.0। इसका जो प्राइसिंग है ये आपको 850 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा। साइज़ के साथ इसका प्राइस जो है थोड़ा वेरी करता है। इसका जो सोल है वो बना हुआ है इथिलीन विनाइल एसीटेट से। उसके बाद ये जो शू है ये जो वाइट फुटेड प्लेयर्स हैं उन लोग के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो शू विथ है वो मीडियम है, तो वाइट फुटेड प्लेयर के लिए ये बेस्ट फुटबॉल शू रहेगा। उसके बाद जो सोल मटेरियल है वो बना हुआ है TPUC यानी कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेन से। उसके बाद इसमें प्री मोल्डेड हील का यूज़ किया गया है जिससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा आपके हील पे और सिक्योर फिट देगा। और इसका जो अपर मटेरियल है वो बना हुआ है PVC सिंथेटिक लेदर से। और इसका जो वेट है वो है 850 ग्राम, तो ये लाइट वेट है। इसके बाद जो रैंक 3 पे फुटबॉल शू है वो है वेक्टर एक्स फ्लेम इंडोर फुटबॉल शू। इसका जो प्राइसिंग है आपको 800 के आसपास मिल जाएगा। साइज के साथ प्राइस थोड़ा वेरी करता है। जो सोल मटेरियल है वो बना हुआ है TPU से यानी कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेन। जो आउटर मटेरियल है बना हुआ है सिंथेटिक लेदर से। इसमें आपको पैडेड सेंसेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, और स्नग फिट। ये नॉर्मल और वाइट फुटेड प्लेयर्स दोनों के लिए सही रहेगा। और इसका जो वेट है वो है 890 ग्राम, यानी कि 40 ग्राम ये थोड़ा सा हैवी होने वाला है निविया कार्बोनेट से। उसके बाद जो रैंक 2 पे फुटबॉल शू है वो है सेगा एस्टन स्टड इंडोर शू। ये फुटबॉल शू आपको 900 के आसपास मिल जाएगा। जो प्राइसिंग है साइज के साथ थोड़ा वेरी करता है। जो सोल मटेरियल है वो TPU है यानी कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेन और रबर का थोड़ा सा यूज़ करके इसको बनाया गया है। ये जो फुटबॉल शू है बोथ नैरो फुटेड और वाइट फुटेड प्लेयर्स के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन जो वाइट फुटेड प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा डिफिकल्टी होने वाला है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे आप इसको यूज़ करेंगे आपको ये फिटिंग हो जाएगा। ये फुटबॉल शू आपको बेयर फुट सेंसेशन देने वाला है, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने फुटबॉल शू पहना ही नहीं है। मतलब एक तो ये लाइट वेट भी है और ये आपको स्नग फिट भी देने वाला है। जो वेक्टर एक्स था वो आपको पैडेड सेंसेशन देता, लेकिन ये जो फुटबॉल शू है आपको बेयर फुट सेंसेशन देगा। इसका जो वेट है 850 ग्राम है, यानी कि ये लाइट वेट है निविया कार्बोनेट की तरह। अब रैंक 1 पे जो फुटबॉल शू है उससे बहुत सारे प्लेयर्स जानते होंगे, ये है किप्स्टा 100 HG। ये सबसे बेस्ट फुटबॉल शू रहेगा आपके लिए, ठीक है, टर्फ या फिर आर्टिफिशियल ग्राउंड के लिए। उसके कुछ रीजंस हैं तो अच्छे सुन लीजिए। सबसे पहला रीज़न ये है कि इसका जो अपर मटेरियल है वो बना हुआ है सिंथेटिक लेदर से, ठीक। उसके बाद ये जो फुटबॉल शू है आपको नैरो फुटेड प्लेयर्स के लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है, नैरो या फिर नॉर्मल फुटेड प्लेयर्स के लिए। इसका जो सोल मटेरियल है वो बना हुआ है TPU से थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेन से। उसके बाद ये आपको स्नग फिट देने वाला है, बेयर फुट सेंसेशन देगा। और इसका जो ड्यूरेबिलिटी है, अब तक जितने मैंने फुटबॉल शू बताए हैं इसका जो ड्यूरेबिलिटी है बेस्ट रहेगा, ठीक है, बहुत अच्छा इसका जो क्वालिटी यूज़ किया गया है शू में। और इसका जो वेट है वो है 820 ग्राम, यानी कि सबसे लाइट वेट यही वाला फुटबॉल शू है जितना ही मैंने आपको बताया। इसका जो प्राइसिंग है ये आपको 999 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा, ठीक है, और साइज़ के साथ थोड़ा सा प्राइसिंग वेरी करता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जितने भी फुटबॉल शू मैंने बताए हैं सबका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके उसे बाई कर सकते हैं। तो जाने से पहले मैंने ऑलरेडी 1000 के अंदर कौन कौन से बेस्ट फुटबॉल शू रहेंगे, 2000 के अंदर कौन कौन से बेस्ट फुटबॉल शू रहेंगे, एडिडास के बेस्ट फुटबॉल शूज़ और नाइकी ब्रांड के बेस्ट फुटबॉल शूज़ के मैंने रिव्यूज़ ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, तो ज़रूर आप उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको फुटबॉल शू बाय करना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं, बेल नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आप फर्दर अपडेट्स मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, जय हिंद।